जी, जैसे आप जानते हैं कि हर साल यूपीएससी में जम्मू कश्मीर के बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो उसको बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए और उनकी इंटरेक्शन जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ रखते हैं, तो उसी सिलसिले में आज यहाँ पे एक इंटरेक्शन थी जिसमें जो लोग क्वालिफाई करके आए हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं बच्चों के साथ, उनके भी बहुत सारे सवाल रहे और बीच में हम जैसे पुराने लोगों को भी बुला लिया जाता है थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए सर्विस साइड का, तो काफ़ी अच्छी इंटरेक्शन रही। दो तीन चीज़ें मैं इस पर कहना चाहूँगा कि एक जिस किस्म का बच्चों का लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है, लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है और जिस किस्म की चैलेंजिंग एक वो करियर ऑप्शंस के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं वो मुझे लगता है कि काफ़ी उसकी सराहना की जाए जितना वो कम है, बट उसके साथ साथ दो तीन चीज़ें जिस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। I actually got into the idea of civil services after some friends started talking about it. So initially I was very hesitant because I had very different career plans and I did not really know what this is all about. But over time when I got into it, the study of it and learning from people what this is all about, it makes more sense to understand that this is exactly a very fulfilling kind of career where you get the satisfaction of actually solving the problems that are around you. So that really serves as a motivation that you get to see tangible results of out of what your career is. जैसे आप देख रहे हैं कि आज हमने एक फेलिस्टेशन सेरेमनी यहाँ पर रखी है जिसमें यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 के टॉपर्स जो हमारे जेएनके के हैं उनको फेलिस्टेट किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट से डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी सर और स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर से डॉक्टर बिलाल महीदीन भट्ट, जो बच्चों की ड्रीम है एस्पायर से टू बिकम सिविल सर्विसेज, वो हमारे पास आए हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हमने आपके लिए जो बेस्ट क्वालिटी मैकेनिज्म जो एजुकेशन के लिए ज़रूरत है सिविल सर्विस में वो यहाँ पे रखा है। आज डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी सर ने हमारी लाइब्रेरी को भी इनॉग्रेट किया जिसमें 170 सीटिंग कैपेसिटी है के एस्पिरेंट के लिए, एंड इसके साथ साथ इनको स्मार्ट क्लास रूम्स है, अपडेटेड स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज़ है और ऐसे सेशंस, ऐसे इंटरेक्टिव सेशंस है जो इन बच्चों को मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं टूवर्ड्स द सिविल सर्विस। आज की डेट में आप अगर देखेंगे कि आज बच्चे कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर साल हमारा कितना रिजल्ट आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो आपके थ्रू मैं वो पेरेंट्स, वो स्टूडेंट्स तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं जो ये सपना देखते हैं, वो आए हमारे साथ जुड़े और इस ड्रीम को अचीव करें। प्लेजर टू अनाउंस ई-लर्निंग प्रोग्राम एट आवर एक्सेप्शनल आईएएस एकेडमी, पर्टिकुलरली मेंशनिंग फॉर नीट एंड जेईई। इट वुड बी अ रेवोल्यूशनरी फेज इन द एंटायर कोचिंग इंडस्ट्री बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम वी वुड बी ऑफरिंग अ मिनिमल फी स्ट्रक्चर वेयर ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन एटलीस्ट अफोर्ड फुल सर्विसेज with all relevant study material, mock test series, DPPs, and also we are giving an additional bonus to it that we will be having the accessibility to the students. That is what I mean to say is the students can actually come to the campus, they can actually access to their doubts and they can have an interaction with the teachers that will actually help them to boost their confidence and to get over the online problems. For sure we are looking for the suitable candidates to be applying for this course and we will be sure launching the dates where you can register yourself. सिविल सर्विसेज में अगर हमारे 15 या 18 या 20 बच्चे हर साल सिलेक्ट होके आ रहे हैं, थोड़ा सा अगर फैसिलिटीज को और इम्प्रूव किया जाए और थोड़ा सा एक्सपोजर और बढ़ाया जाए तो ये नंबर 3 गुना 4 गुना बढ़ सकता है, दैट इज नंबर 1। सेकंड, आई थिंक जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ डिकेड्स तक मेडिसिन इंजीनियरिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा है, उसके बाद इक्विवेलेंट फोकस या उससे भी काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी की सिविल सर्विसेज पे है, और मुझे ये लगता है कि आज हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी अवेलेबल है, तो वी शुड नॉट वेट फॉर अनदर डिकेड और टू डिकेड्स बच्चों को बताने के लिए कि भी बाहर और क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। आज हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं बहुत सारी कंट्रीज में काम कर रहे हैं, अपनी नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वापस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कम्युनिटी को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को एक डिस्कोर्स शुरू करना चाहिए इसमें कि भाई व्हाट इज बियॉन्ड यूपीएससी ऑल्सो, और एक एक मतलब देयर शुड बी एन ऑप्शन टू फॉल बैक अपॉन कि भाई आप यूपीएससी क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप क्या चीज़ कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं।